So hello viewers, in this video we are going to talk about Frontiers of Criticism that has been written by T.S. Eliot. I hope you all have heard about this essay. So let's begin. Frontiers of Criticism is a well-known essay by T.S. Eliot. ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध essay है T.S. Eliot के द्वारा. It is a lecture. Actual में ये एक lecture था which was delivered by him at the University of Minnesota in 1956. 1956 में उनके द्वारा एक lecture deliver किया गया था University of Minnesota में, और वही lecture actually में बाद में वो क्या हुआ, publish हुआ. In this essay which was reprinted in On Poetry and Poets in 1957, यानी एक तरह से इस essay में जो कि reprint हुआ है, फिर से publish हुआ था 1957 में, Eliot discusses द बाउंड्रीज ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की क्या क्या सीमाएँ होनी चाहिए, बाउंड्रीज होनी चाहिए, लाइक ही डिड इन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट. और यदि आपने इसका पहला ऐसे पढ़ा होगा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने किस तरह से उसमें बताया है कि क्रिटिसिज्म कैसे किया जाना चाहिए. और इसमें वो बात करते हैं कि इसके बाउंड्रीज क्या क्या होनी चाहिए, इस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए. ही डिफाइंस द ट्रू लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और साथ ही साथ वो डिफाइन भी करते हैं कि एक सच्चा ट्रू लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता क्या है. इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एज इट रिप्रेजेंट्स इलियट्स व्यूज़, और ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये इलियट के खुद के विचारों को रिप्रेजेंट करता है रिगार्डिंग द इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म. यानी इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म को लेकर जो कुछ भी इलियट साहब सोचते हैं वो इसमें प्रकट होता है. बीइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स ऑफ 20th century, चूँकि वो 20वीं शताब्दी के ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स में से काउंट किए जाते हैं, Eliot argues that no truth is permanent and universal. Eliot इस बात को कहते हैं कि कोई भी जो ट्रूथ है, कोई भी सच्चाई हमेशा के लिए सच नहीं होती, ना ही यूनिवर्सल होता है. After a time, any truth changes its value. और समय के साथ साथ क्या होता है, किसी भी ट्रूथ की वैल्यू चेंज हो जाती है. The time is the greatest factor of it as it decides the value of truths. और इसका सबसे बड़ा फैक्टर टाइम है, क्योंकि टाइम ही सब कुछ तय करता है कि किसी ट्रूथ की वैल्यू किस समय क्या होनी चाहिए. लिटरेरी ट्रूथ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम सोशल एंड फिजिकल ट्रूथ्स, और जहाँ तक बात रही लिटरेरी ट्रूथ की, तो ये फिजिकल और सोशल ट्रूथ से तो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है. ही सेज दैट द वर्क ऑफ ए क्रिटिक इज़ टू प्रमोट एंड इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग एंड एन्जॉयमेंट ऑफ ए रीडर. वो कहते हैं कि क्रिटिक का ये काम है कि वो रीडर्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए, है ना, और साथ ही साथ जो रीडर्स हैं उनको हेल्प करे समझने में, और साथ ही साथ उनको बताए कि ये कैसा वर्क है. वही एक ट्रू क्रिटिक है जो ऐसा करता है. ही शुड नॉट पे मच अटेंशन टू द सोर्सेज एंड मोटिव्स ऑफ ए वर्क. उन्हें वर्क के सोर्स को नहीं देखना चाहिए, उनके पर्पस को नहीं देखना चाहिए, बस उनको ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो रीडर्स के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं. इफ़ ए क्रिटिक ट्राइज टू रिलेट हिज क्रिटिसिज्म टू द ऑथर्स पर्सनैलिटी, और यदि कोई क्रिटिक ऐसा करे कि वो ऑथर की पर्सनैलिटी से अपने क्रिटिसिज्म को जोड़े, इट विल रूइन द प्लेजर ऑफ ए रीडर. तो इससे क्या होगा कि रीडर का प्लेजर ही खत्म हो जाएगा. एट द सेम टाइम ही शुड नॉट इवन ट्राई टू कंपेयर, कंपेयर भी नहीं करना चाहिए दैट पर्टिकुलर वर्क टू एनी ग्रेट वर्क. किसी भी वर्क को किसी ग्रेट वर्क से कंपेयर भी नहीं किया जाना चाहिए. ही शुड कट हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम अदर नॉलेज, उसे भूल जाना चाहिए उसे दूसरे वर्क की भी जानकारी है, तभी जो है सही से क्रिटिसिज्म कर पाएगा. ही शुड जस्ट फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ दैट वर्क, उसे बस उस वर्क के टेक्स्ट के मीनिंग पर ध्यान देना चाहिए. ही शुड कीप इन माइंड दैट हिज वर्क इज़ टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर रीडर्स, और उसे हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका काम रीडर्स के लिए चीज़ें आसान करना है. इफ़ अ क्रिटिक फेल्स टू डू सो, यदि कोई क्रिटिक ऐसा नहीं कर पाता है, देन हिज क्रिटिसिज्म इज़ नेवर ट्रू. इट मीन्स कि उसका क्रिटिसिज्म सही है ही नहीं. देर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. टू एक्सप्लेन मीन्स टू ऐड योर ओन परस्पेक्टिव और परसेप्शंस, यानी एक्सप्लेन करने का मतलब होता है कि हम उसमें अपनी बातों को भी जोड़कर समझाते हैं. एंड व्यूज़ वाइल अंडरस्टैंडिंग मीन्स, जबकि अंडरस्टैंडिंग का जो मतलब होता है
टू जस्ट इलेबरेट थिंग्स, उनसे बस बताना होता है एज इट इज जो है, बस आप उसे बताओ इन एन ईजियर वे, एक आसान तरीके से. ए लिटरेरी वर्क शुड बी क्रिटिसाइज अकॉर्डिंग टू द टाइम व्हेन इट वॉज रिटन, और किसी लिटरेरी वर्क को उसी टाइम के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए जब वो लिखा गया था. अ क्रिटिक शुड ट्राई टू रिलेट द एज ऑफ पोएट एंड द प्रेजेंट एज वेल, और साथ ही साथ उसे यह भी कोशिश करना चाहिए कि वो उस टाइम के चीज़ों को रिलेट करने का प्रयास करे अभी के टाइम से. जस्ट टेलिंग अबाउट द फैक्ट्स अबाउट द एज ऑफ द पोएट इज हिस्ट्री, और यदि हम सिर्फ वो बताएं कि पोएट के टाइम में ऐसा था वैसा था, तो वो क्रिटिसिज्म नहीं होगा, वो तो एक हिस्ट्री हो जाएगा ना. इवन इफ वी ट्राई टू गेट द इंफॉर्मेशन वी कैनॉट गेट इट, हमें नहीं मिल सकता यदि हम कोशिश कर भी लें तो, पूरी तरह से बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्योंकि उस टाइम पे पोएट क्या फील करते थे, उन्होंने क्या फेस किया, उनकी मेंटेलिटी क्या थी, हम कभी नहीं समझ सकेंगे. सो इट इज़ बेटर टू गो थ्रू द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट ओनली, इसीलिए बेटर है कि हम टेक्स्ट के मीनिंग पर ही ज़्यादा फोकस करें. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी रीड एनी प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, यदि हम विलियम शेक्सपियर के किसी प्ले को पढ़ें, वी नेवर नो द एक्चुअल रीजन और सिचुएशन विच गेव हिम द आइडिया, तो हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि उन्हें किन चीज़ों से ऐसी आइडियाज़ मिले, कैसे उनको इंस्पिरेशन मिली कि वो ऐसे लिखें टू राइट. बट इट इज़ पॉसिबल टू गो थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट, हम टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर पाएँ, समझा पाएँ. सिचुएशंस कैन बी कंपेयर्ड, परिस्थितियाँ एक दूसरे से कंपेयर की जा सकती हैं, बट नॉट द टू वर्क्स ऑफ डिफरेंट ऑथर्स, लेकिन दो अलग अलग ऑथर्स के वर्क्स को कभी नहीं कंपेयर किया जा सकता. देर इज नो डाउट दैट सिचुएशंस माइट हैव फोर्स्ड हिम टू राइट अ पर्टिकुलर वर्क, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिचुएशन ने ही उन्हें फोर्स किया होगा, मजबूर किया होगा किसी पर्टिकुलर वर्क को लिखने के लिए. फॉर अ क्रिटिक द प्रायोरिटी शुड बी द टेक्स्ट एंड द रीडर्स, यानी क्रिटिक की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो कभी भी ऑथर नहीं होनी चाहिए, वो बस उनके लिए वर्क होना चाहिए, वर्क का टेक्स्ट होना चाहिए और रीडर होना चाहिए. He should never think much about the personal intention of the author. उसे author के personal intention के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनका क्या इरादा था, किस इरादे से उसने लिखा, उसका motive, purpose क्या था, कोई मतलब नहीं रखना चाहिए. It is quite possible that it has nothing to do with the understanding and enjoyment of the readers. और ये संभव है कि हो सकता है कि उसका कोई संबंध नहीं हो readers के perspective से, readers के understanding से, enjoyment से. I see nothing to be explained. मुझे नहीं लगता कुछ समझना बाकी है और ना ही समझाना. नथिंग दैट इज दैट वुड हेल्प मी टू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड देयरफॉर एंजॉय इट मोर, मतलब वो कहते हैं कि यदि क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए तो वो इस बात पर बेस्ड होना चाहिए कि वो रीडर्स के एंजॉयमेंट का सोर्स बने, रीडर्स के लिए चीज़ें आसान हो सके. दीज एबव लाइन्स आर टोल्ड बाय हिम फॉर द पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म, और ये लाइनें उन्होंने पोइट्री और क्रिटिसिज्म के संदर्भ में ही कही है. नो डाउट इलियट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स, और इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि वो एक ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स में से एक थे. दिस इज़ द रीज़न, और यही कारण है दैट हिज थियरीज एंड एसेज आर अप्रिसिएटेड इवन टूडे, ये आज भी उनकी थियरीज और एसेज को अप्रिसिएट किया जाता है. हिज आइडियाज़ वर इन द फेवर ऑफ बोथ द ऑथर्स एंड द रीडर्स, और उनके जो आइडियाज़ थे सिर्फ रीडर्स या सिर्फ ऑथर्स के फेवर में नहीं थे, बल्कि ही फेवर्ड बोथ द ऑथर्स एंड रीडर्स. ही डिफाइंड द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म, उन्होंने क्रिटिसिज्म का ट्रूएस्ट फॉर्म डिफाइन किया, दैट वॉज आइडियल एंड अनबायास्ड, जो कि बिल्कुल ही आदर्श और बिना किसी पक्षपात के था. इट इस्टेब्लिश्ड हिम एज द ग्रेटेस्ट मॉडर्न क्रिटिक ऑफ द 20th सेंचुरी, और यही कारण है कि उन्होंने खुद को स्थापित किया एक प्रोमिनेंट या इमिनेंट क्रिटिक के तौर पर, जो कि 20th सेंचुरी के मॉडर्न क्रिटिक तौर पर जाने गए. ये थी फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म के बारे में. आई होप यू लाइक इट, और आप इसमें यदि आप लेंथ कम पढ़ रहा हो तो आप ऑथर का इंट्रो शुरू में आप ऐड कर सकते हैं और इससे रिलेटेड कंक्लूजन को थोड़ा और इलॉन्गेट कर सकते हैं. आई होप यू गॉट इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.